अंग्रेजी मास्टर जी क्लास। एक बार फिर अंग्रेजी मास्टर जी क्लास में आपका स्वागत है। अंग्रेजी सीखना आसान नहीं, बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप खुद में विश्वास रखें। लर्न इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस बाय प्रदीप सर। आप इस चैनल पे सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी, इतनी आसान तरीके से कि आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होता। लर्न इंग्लिश एंड अर्न रिवॉर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास। तो आज आप सीखेंगे इंटेंड टू का प्रयोग। क्या सीखेंगे? इंटेंड टू का प्रयोग। इसका प्रयोग हम कहां, कब, क्यों और कैसे करते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं इंटेंड टू का हिंदी मतलब क्या होता है। इसका हिंदी मतलब है क्या? तो इसका हिंदी मतलब होता है मन करना, इरादा का होना, दिल करना। इसमें से किसी के लिए भी आप इंटेंड टू का प्रयोग करते हैं, मन करना, इरादा का होना और दिल करना। तो इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो आगे देखते रहिए और सीखते रहिए बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और हम बताते हैं कि आप किस तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद इज, अम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई एक टेंस के अनुसार। उसके बाद नॉट है तो नॉट, इंटेंड टू प्लस वर्ब का पहला रूप यूज करिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। कैसे होगा चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई सेंटेंस बनेगा कैसे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, मेरा घर वापस जाने का मन करता है। I am intend to go home। यहाँ पर आई के साथ अम इसलिए लगा है क्योंकि यह जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस में है। यदि पास्ट टेंस में होता तो है की जगह पर आपको था, थी दिखता और आई के साथ वाज लगता। समझ रहे ना, प्लुरल के साथ वर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ वाज, इसलिए प्रेजेंट, इसलिए आई के साथ अम लगा है। आई अम इंटेंड टू गो होम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। उसका वहां जाने का मन था। ही वॉज इंटेंड टू गो देयर। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको था दिख रहा है, था, इसलिए ही के साथ वॉज लगा है ना। ही वॉज इंटेंड टू गो देयर। ही वॉज इंटेंड टू गो देयर है ना सब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस, इसलिए आई के साथ अम। आई एम नॉट इंटेंड टू टॉक टू हिम है ना सर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसका यह जॉब करने का इरादा नहीं था। ही वॉज नॉट इंटेंड टू डू दिस जॉब। ही वॉज नॉट इंटेंड टू डू दिस जॉब। उसका यह जॉब करने का इरादा नहीं था। चलिए हम लोग सीखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इज, अम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई एक चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद इंटेंड टू का प्रयोग करिए। उसके बाद आता है वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग आप करते हैं। अंग्रेजी सीखना हुआ आसान प्रदीप सर के साथ। तो अंग्रेजी सीखते रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो। तो आप समझ गए यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होंगे। इज, अम, आर, वाज, वर लगाएंगे, इसमें से कोई एक, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट, इंटेंड टू प्लस वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का प्रयोग करिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कैसे बनते हैं यस नो टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, क्या उसका इस काम को करने का मन नहीं है। क्या उसका इस काम को करने का मन नहीं है। तो इज देखिए पहले लग गया, इज ही इंटेंड टू डू दिस वर्क है ना आसान, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, क्या तुम्हारा उससे मिलने का दिल नहीं करता है। आर यू नॉट इंटेंड टू मीट हिम। आर यू नॉट इंटेंड टू मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, क्या उसका यहाँ आने का दिल नहीं है। Is he not intend to come here? यदि past में होता तो इज की जगह पर was दिखता है ना, present है इसलिए is। Is he not intend to come here? समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप्स क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ है ना। इसके बाद इज, अम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई एक चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट है तो नॉट यूज करिए, नहीं तो इंटेंड टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे।
है ना अंग्रेजी सीखना आसान, आप सीखते रहिए हमारे साथ। समझ में आया आपको? चलिए एग्जांपल देखते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं इसके सेंटेंस, कैसे बनते हैं डब्ल्यू एच व्हाट टाइप्स क्वेश्चंस, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, तुम्हारा वहां जाने का मन क्यों नहीं करता है। अब देखिए क्यों क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है इसलिए पहले लिखिए व्हाई आर यू नॉट इंटेंड टू गो देयर, है ना सन, व्हाई आर यू नॉट इंटेंड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, तुम्हारा क्या करने का दिल करता है, क्या क्या है डब्ल्यू एच वर्ड, तो व्हाट, व्हाट आर यू इंटेंड टू डू। जब भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद इज अमर, उसमें से कोई एक आता है और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय इंटेंड टू वर्ब का पहला रूप। समझ में आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश बाय प्रदीप सर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट न्यू वीडियो डेली, बाय, गुड वेब, सी यू नेक्स्ट टाइम।